हेलो नमस्कार भाई सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में क्या हाल चाल है आप लोगों के बताइए जल्दी से कमेंट करिए गुड इवनिंग एवरीबडी कैसे हैं आप सभी लोग और कल का सेशन कैसा रहा जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था और मुझे अनुराग नाम से कमेंट आ रहा है सर एक बार में एक ही क्लास का थम नेल अपलोड किया करिए कई बार ऐसा होता है कि वो अगले दिन का सबसे ऊपर दिखा रहा होता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्लास यही वाली है या कौन सी चल रही है है ना कल जितनी भी स्टूडेंट लाइव थे मैं देख रहा था कि क्वेश्चन के आंसर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के करेक्ट uh, थे जो कि बहुत खुशी की बात है क्योंकि मेहनत आपकी भी वसूल होती जा रही है और मेहनत हमारी भी वसूल होती जा रही है जो लोग नए जुड़े हुए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम लोग पुडुचेरी के बारे में या पांडचेरी जिसका पहले नाम हुआ करता था डिस्कशन कर रहे थे आज उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा है ना और होली की छुट्टियों से पहले पहले कोशिश करते हैं कि एक दो जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनको निपटा देते हैं क्योंकि अभी जो आपकी क्लास होगी आज ट्यूजडे है बैडनेस्डे थर्सडे दो दिन और क्लास होगी तो दो दिन में उत्तराखंड को समटा देंगे उत्तराखंड थोड़ा सा बड़ा होगा ना क्योंकि अब तो जो स्टेट आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे वहीं यूपी हो गया राजस्थान हो गया एमपी हो गया इनमें से लगभग तीन मुझे लगता है कि दो दो तीन 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 चार चार क्लास तो मान ही लो इतना टाइम तो लाजमी है है ना सर स्टेट इस में इससे भी कुछ अलग पढ़ना है क्या मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरा का पूरा आपका कवर होता चला जाए बाकी देखते हैं कितना कवर हो जाता है क्या हो जाता है, है ना चलिए भाई हेडिंग डालो पुडुचेरी आज के सेशन में इसी को शुरुआत से करते हैं सबसे पहला पॉइंट होगा इसी में अगर मैं पुडुचेरी की बात करूंगा तो ये है क्या तो आपका आंसर होगा यूनियन टेरिटरी है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ये क्या है तो आपका आंसर होगा भारत के भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है जी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अगर मैं बात करूंगा आपसे तमिल भाषा में इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है मीनिंग इन तमिल लैंग्वेज भाई यहां पे तो तमिल भाषा ही ज्यादातर बोली जाएगी एक तमिल भाषा होगी एक मलयालम होगी अगर मैं बात करूंगा इसी के बारे में तमिल भाषा में अर्थ क्या है इसका तो इसका अर्थ है न्यू बिलेज इसका अर्थ क्या है न्यू बिलेज है आगे अगर मैं बात करूंगा इसी में अगला पॉइंट होगा कि इसको विकसित किसने किया था एक्चुअल में अगर हम पुडुचेरी की बात करेंगे तो इसको डेवलप किया गया था शुरुआत में डेवलप्ड लाइक अ पोर्ट है ना इसको विकसित किया गया था कब सॉरी बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था अगर आपसे पूछा जाता है कि बंदरगाह के रूप में विकसित किया किसने था है ना तो विकसित करने वाले जो लोग थे उनकी अगर मैं बात करूंगा तो सोलह में यहां पर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी है ना जो फ्रेंच ट्रेड कंपनी थी या मैं सीधा सीधा लिख देता हूं फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों ने विकसित किया था सोलह में इसके विकास की शुरुआत हुई आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये कई बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों के हाथ में चला गया कई बार वापस से इनके पास में आ गया मैंने बताया था 1760 में ये अंग्रेजों ने छीन लिया था उसके बाद सत्रह में फिर से ये फ्रांसीसियों के पास आ गया फ्रांसीसियों ने यहां पे किया क्या ध्यान से सुनना इसे विकसित करने के बाद सबसे पहले यहां पर अपनी नेवी को डेवलप किया यहां पर नौसेना को विकसित किया नौसेना को विकसित करने के साथ साथ इन्होंने यहां पे कॉटन टेक्सटाइल को डेवलप किया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्होंने और क्या किया सूती वस्त्र उद्योग को विकसित किया और साथ ही साथ यहां पे मैंने बताया कि पोर्ट के रूप में तो था ही था ये यहां पे इन्होंने वाटर ट्रेड को डेवलप किया वाटर ट्रेड इंक्रीज किया है ना यहां पे क्या किया इन्होंने जलीय मार्ग व्यापार को बढ़ाया और जलीय मार्ग व्यापार को कैसे बढ़ाया तो तब आपका आंसर होगा कनेक्टिविटी की इन्होंने किसके साथ तो तब आपका आंसर होगा कनेक्टिविटी विद ईस्ट एशिया पूर्वी एशिया के साथ जोड़ा अब जब इतने काम यहां पर किए जा रहे हैं अच्छा बात यह आती है कि फ्रांसीसियों ने यही क्षेत्र क्यों चुना क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा सबसे ज्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी भी हमारे भारत में आई उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे ब्रिटिश थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे ज्यादा जो अपना जोर दिया था वो जोर दिया था कौन से क्षेत्र में तो आपका आंसर होगा पश्चिम तटीय क्षेत्र में सूरत से उन्होंने व्यापार की शुरुआत की और पश्चिम तटीय क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया बाकी कुछ क्षेत्र उन्होंने कोलकाता वाला चुन लिया तो ये यहां पे अपने आप को सेफ भी फील करते थे पुडुचेरी में डेवलपमेंट अपने करने के बाद में और मैंने यहां पे आपको ये इंपॉर्टेंस बताई इन इंपोर्टेंस के चलते हुए ये जो क्षेत्र था पुडुचेरी वाला एक सोर्स ऑफ इनकम बना किसके लिए फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी के लिए है ना मैं लिख देता हूं यहां पे ये क्या था ये था बेटर सोर्स ऑफ इनकम फॉर फ्रेंच ठीक है ये क्या था तो आपका आंसर होगा ये फ्रांसीसियों के लिए बेहतर आय का साधन था क्या था ये फ्रांसीसियों के लिए बेहतर आय का साधन था क्लियर है पूरा नोट करेंगे फिर मैं आगे बताता हूं यहां पे और क्या हुआ सबसे बड़ी समस्या पता है यहाँ पे क्या बनना शुरू हुई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे बनी थी और कैसे यहां फिर इन्हीं लोगों ने इसको आजाद कराया फ्रांसीसियों से उसके बारे में अगले स्टेप में सीखेंगे यहां तक किसी का कोई डाउट सर मैं ज्योग्राफी स्पेशल बैच टू से हूँ और उसमें क्लाइमेटोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी नहीं हुआ है मैं चेक कर लूंगा इसमें क्लाइमेटोलॉजी और कॉस्मोलॉजी कराया है नहीं कराया ज्योग्राफी स्पेशल बैच फिनिश हो गया क्या कमेंट मैंने क्लास में भी देखा है पढ़ाते टाइम बैच बन बैच टू लॉग इन ही नहीं है मेरे पास मैं चेक कर लूंगा यार कोई ऐसी दिक्कत होगी ना तो करा देंगे ओके आगे बढ़ जाए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या आई यहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विकसित थी यहां पर था क्या तो आपका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ और इसी का व्यापार होता था यहां से प्रॉब्लम यहां पर यह निकलकर आई कि यहां की जो ज्यादातर जनसंख्या थी वो दलित समुदाय से थी ठीक है और पॉपुलेशन जो थी वो लेबर वर्क वाली ज्यादा पॉपुलेशन थी है ना मजदूरी कार्य वाली जनसंख्या ज्यादा थी और फ्रांसिसियो ने क्या किया ध्यान से सुनना फ्रांसीसियों ने इनके लिए नियम बना रखा था कि कम से कम ग्यारह घंटे पर डे वर्क करना ही होगा इन लोगों को आगे बात समझ 11 घंटे इनको वर्क करना ही होगा ऐसा रूल इन्होंने बना दिया और यहां की जो मुख्य मिल थी उनमें एक का नाम था सवाना, एक का नाम था रोडिया और एक का नाम था इली ये थी यहां की मेजर मिल तो ये लोग यहां पे कम से कम पैसे में ग्यारह ग्यारह घंटे काम कर रहे थे तो सिंपल सी बात है कब तक जुल्म सहते इन लोगों का यहीं पर एंट्री हुई फिर कैलाश कैलाश सुबैया की यहां पर एंट्री किसकी हुई कैलाश सुबैया की एंट्री हुई और कैलाश सुबैया की जब यहां एंट्री हुई तो इन्होंने क्या किया 1935 की बात है 1935 में इनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ आंदोलन को दबा दिया गया कोई दिक्कत नहीं 1936 में फिर से आंदोलन हुआ और 1936 में जब आंदोलन हुआ तो यह आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ ठीक है आंदोलन क्या हुआ पूरी तरह से सफल हुआ 1936 में और आंदोलन के सफल होने के बाद जो व, आ, वर्किंग टाइम था फ्रेंच सरकार ने क्या किया वर्किंग टाइम को रिड्यूस कर दिया जो पूरे भारत के अन्य राज्यों में था उसको आठ घंटे कर दिया अगर हम बात करेंगे कैलाश सुबैया की तो इनका बड़ा योगदान माना जाता है पांडचेरी के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि इन्होंने यहां पर ट्रेड यूनियन की स्थापना की कम्युनिस्ट पार्टी यहीं पर इन्होंने विकसित की तो इनका काफी सम्मान माना जाता है मतलब वहां की जनता के द्वारा काफी इनका सम्मान किया जाता है क्योंकि वहां के मजदूर वर्ग को अधिकार दिलाने में इनका एक बड़ा रोल था और याद रखना इस चीज को 2011 में 2011 में सरकार ने क्या किया सरकार ने टिकट जारी किया था डाक टिकट इनके सम्मान में डाक टिकट जो था वो जारी किया था इसके बाद में 1947 का टाइम आया 1947 में भी फ्रांसीसियों ने इस वाले क्षेत्र को आजाद नहीं किया धीरे धीरे करके यहाँ की जनता जो थी इनके खिलाफ उतरने लगी बीच बीच में कई आंदोलन हुए यहां तक कि कंडीशन ये बनाई कि जो सुबैया थे इनके घर को फ्रांसीसियों ने जला दिया था और इनका यहां से क्या नाम है क्या बोलते हैं तड़ी पार बोलेंगे ना उसको जो जिला बदर बोला जाता है कि मतलब आप यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए जब ये इस तरह से यहाँ पे आंदोलन लगातार होने लगे तो फिर भारत सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच में कई बार बैठक हुई और फाइनली उन्नीस में 1954 में ये फ्रांसीसियों से आजाद हुआ उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता था पौंडुचेरी 2006 में इसका नाम बदल के कर दिया गया क्या पुडुचेरी इसका नाम क्या कर दिया गया पुडुचेरी अगर मैं यहां की लिटरेसी रेट की बात करूंगा कितना है तो ठीक ठाक है लगभग 86 परसेंट के समथिंग अबाउट पूरा नोट करो जल्दी से फिर आगे बढ़ते लिटरेसी रेट कितना है तो लगभग 86 परसेंट के समथिंग अबाउट दो 2006 में नाम चेंज हुआ है वॉइस कम आ रही है हो सकता है अब ठीक है वैसे ठीक आ रही होगी बस आगे बढ़ जाए चलो अब ध्यान से सुनना जो ये पुडुचेरी है कितने भागों में डिवाइड किया गया डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट कौन कौन से फोर पार्ट हैं एक तो है पुडुचेरी एक है कराइकल एक है यनम और एक है माहे ये दोनों आते हैं तमिलनाडु के अंतर्गत ये आता है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत यह आता है केरला के अंतर्गत अब इंडिया का मैप बनाकर उस पर इसको एक बार कवर कर लेते हैं देखो ध्यान से ऊपर की तरफ तो यनम पड़ेगा नीचे की तरफ पड़ेंगे पुडुचेरी और कराई कर ठीक है जी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना इधर पड़ेगा क्या तो आपका आंसर होगा माहे पहली बात अगर मैं यहाँ के ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर बात करूंगा तो ये हमारे भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र आता है और याद रखना ये जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इसके इधर की साइड जरूर यहां माउंटेन है ये फैला हुआ है ईस्टर्न घाट माउंटेन लेकिन अगर हम बात करेंगे पुडुचेरी कराईकल और यनम की तो ये पूरा का पूरा फ्लैट एरिया है आगे बात समझ में इस एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा क्षेत्र है तो तब आपका आंसर होगा ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से फ्लैट एरिया है है ना फ्लैट एरिया है विदाउट हिल्स है ना ये समतल क्षेत्र है समतल क्षेत्र है जहां पहाड़ियां हैं जहां पहाड़ियां नहीं है ठीक है जी चलो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां वर्षा कौन सा मानसून कराएगा तो मैं देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है यहां वर्षा की अगर हम बात करेंगे रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार के मानसून से और कब वर्षा होगी उठते हुए मानसून से या फिर लौटते हुए मानसून से एंटी साइक्लोन का मतलब प्रति चक्रवात होता है बिल्कुल यहां पर कौन सा मानसून रेनफॉल कराएगा जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको किस प्रकार का मानसून पे वर्षा कराएगा उठता हुआ या लौटता हुआ देखो अगर हम बात करेंगे मुख्य रूप से यहां जो वर्षा होगी वो लौटते हुए मानसून से होगी यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो वर्षा होती है ना वो लगभग अक्टूबर के आसपास शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीन महीने यहां पर वर्षा होती है ध्यान से सुनना मैं लिख देता हूं रिट्रीट मॉनसून रेनफॉल कराता है रिट्रीट मॉनसून कंडक्ट रेनफॉल है ना यहां पे कौन वर्षा कराता है तो आपका आंसर होगा लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है अब ध्यान से सुनना इसका मतलब यहां अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में वर्षा होगी बोलो हाँ ना वर्षा कब होगी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में आगे अगर मैं बात करूंगा तो यहां गोदावरी नदी दो भागों में आकर बट जाती है ठीक है ना वैसे तो टोटल सात धाराएं बनाती है गोदावरी नदी अपना अंत होने से पहले बट उन्हीं में से एक इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका नाम है गौतमी तो यहां पे तो गौतमी नदी हो गई मैं गौतमी नाम लिख देता हूं गौतमी नदी हो गई और नीचे की अगर मैं बात करूंगा पुडुचेरी की तो यहां पे ध्यान से सुनना नीचे पुडुचेरी और कराईकल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे एक पोनियार नदी है और इसी क्षेत्र में कावेरी नदी का क्षेत्र आ जाता है मेरा कहने का मतलब यह है कि गौतमी नदी हो गई पोनियार नदी हो गई पेन्नार नहीं है पोन्यार गौतमी हो गई पोनियार हो गई नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो कावेरी हो गई कहने का मतलब यह कि यहां पर रिवर सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है यानी कि ये ऐसी नदियां जो कि अपना अंत होने से पहले यहां पे अवसादों का जमाव करती है तो आप एक बात बताओ जब यहां अवसादों का जमाव होगा तो ऐसी स्थिति में यहां पर किस प्रकार की मिट्टी के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी बताइए जल्दी से कमेंट करिए फटाफट से यहां किस प्रकार की मिट्टी जो होगी उसके पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी हाँ जी मैं लिख देता हूं इस वाले क्षेत्र में क्या है यहां लिखता हूं मैं हेयर रिवर सेडिमेंट फाउंड यहां पर नदियों के अवसाद पाए जाते हैं ठीक है ना क्या पाए जाते हैं नदियों के अवसाद और नदियों के जो अवसाद पाए जाते हैं इन नदियों के अवसाद में एलुवियल सॉयल देखने को मिलती है ठीक है ना क्या पाया जाता है इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कैसी मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी इस जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा खेती किसकी की जाती है तो तब आपका आंसर होगा एक तो राइस एक पल्सिस नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो पीनट्स और एक जूट ठीक है यहां पर एक तो चावल की खेती की जाती है दाल का उत्पादन किया जाता है मूंगफली का उत्पादन किया जाता है जूट का भी उत्पादन किया जाता है नोट करो पूरा जल्दी से इन सब का अगर मुख्य रूप से यहां पे देखा जाए किसकी खेती की जाती है तो आपका आंसर होगा मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जूट की खेती की जाती है और चावल की ठीक है जूट और चावल की खेती की जाती है पेड़ क्लास में सर इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ाते फर्क है ना पेड क्लास में कभी मैपिंग का कोई मैंने बैच बनाया नहीं स्पेशली वहां पे तो कॉमन हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना वहां पे हम लोग कॉमन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं यहां पे स्पेशली आप एक एक स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो तो दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना है ना अब अगर मैं माहे की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना माहे की अगर मैं बात करूंगा तो ये किसके अंतर्गत आता है लोकेटेड इन केरला ऐसे लिख देता हूं हिंदी में केरल के अंतर्गत आता है यहां वर्षा कैसे होगी पहली बात तो यहां वर्षा जून में होगी और अराइवल मॉनसून रेनफॉल कराएगा यहां पर उठता हुआ मानसून वर्षा कराता है अगर पूछा जाता है आपसे कि यहां की मुख्य नदी कौन सी है तो याद रखना यहां की जो मुख्य नदी है वो माहे ही है माह रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो माहिर रिवर क्या है यहां की मेन रिवर है मुख्य नदी है आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसमें और क्या खास बात है भैया तो खास बात यह है यहां पे माह में प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा कोकोनट का है ना कोकोनट का प्रोडक्शन होता है यहां पे नारियल का उत्पादन होता है पान के पत्ते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे लिखना एक बार एक तो नारियल का उत्पादन होता है यहां नारियल के साथ साथ मसालों का उत्पादन होता है और पान के पत्ते इन सब का उत्पादन होता है यहां ठीक है ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा बीटल लीव्स ओके सबसे ज्यादा यहां पर बैकवॉस वाटर इंपैक्ट डालता है इसके तटीय क्षेत्र में है ना मैं लिख देता हूं यहां बैक वॉस होता है तो बैकवॉस वाटर के कारण यहां पर लैगून पाए जाते हैं और उन लैगून में फिशिंग की जाती है तो माहे जो है वो फिशिंग के लिए और इनके उत्पादन के लिए जाना जाता है नोट करिए पूरा जल्दी से आगे बढ़े कॉपी करने का टाइम दो प्लीज थोड़ा सा मैं पूरा टाइम दे रहा हूं जितना देना चाहिए आप थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा लो तो और ज्यादा बेहतर होगा है ना क्यों भाई कल उत्तराखंड की मैपिंग है न्यू बैच कहां मिलेगा करियर बिल की वेबसाइट पे जाके आप न्यू बैच जो भी परचेस करना चाहता हो वो कर सकता है एडमिशन अभी ओपन है और उसमें लगभग पांच से छह क्लास हुई अभी ज़्यादा कंप्लीट हुआ भी नहीं है, है ना इंडस्ट्री वाला टॉपिक चल रहा है जिसमें मैंने आज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया था आगे बढ़ते हैं कराईकल के बारे में बात करते हैं थोड़ी ये इंपॉर्टेंट है अगर मैं कराईकल के बारे में आपसे बात करूंगा तो सबसे पहला पॉइंट होगा ये कहां पे आता है तो आंसर होगा आपका लोकेटेड इन in... कावेरी बेसिन भाई यहां पे कौन सी नदी का बेसिन है कावेरी नदी का बेसिन है ठीक है मैं लिखता हूं इस बात को ये कहां पर है तो आपका आंसर होगा ये कावेरी नदी बेसिन में स्थित है ठीक है जी यह कहां पर है कावेरी नदी बेसिन में स्थित है कौन कराईकर यहां पे रिजर्व किसके पाए जाते हैं तो आपका आंसर होगा रिजर्व पाए जाते हैं यहां पे नेचुरल गैस के ठीक है यहां पे क्या पाया जाता है तो आपका आंसर होगा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं अगर मैं बात करूंगा कराईकल की तो यहां पर एक सी पोर्ट विकसित किया जा रहा है और उस, उस सी पोर्ट का सबसे ज्यादा फायदा यह होगा एक तो ऑलरेडी यहां पे नेचुरल गैस के रिजर्व है दूसरा फायदा यह होगा कि विशाखापट्टनम और तूती कोरिन दो बंदरगाह के बीच में पड़ेगा यह बंदरगाह तो यहां पे हमारे इंडिया को ट्रेड और बेहतर करने की पॉसिबिलिटी यहां पर है और साथ ही साथ दोनों के दोनों सी पोर्ट के लिए एक सब्सटी होगा आगे बात समझ में क्या होगा एक सब्सटी होगा मैं लिख दे रहा हूं यहां को इट इज डेवलपिंग इज डेवलपिंग लाइक अ सी पोर्ट किस लिए फॉर सब्सटीटेंट किसका फॉर सब्सटीटेंट ऑफ विशाखापट्टनम एंड तूती कोरिन पोर्ट ठीक है इसको क्या किया जा रहा है तो ले, मैं लिख दे रहा हूं इसी बंदरगाह के रूप में कोमा विशाखापट्टनम और तूती कोरिन के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है ठीक है ये था पुडुचेरी के बारे में अब बाकी अगर मैं बात करूंगा अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा किस चीज़ का योगदान है एक तो एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मौजूद नहीं है और अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है यहाँ की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रोडक्शन रेट जो है वो लो है ठीक ठाक प्रोडक्शन है अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूंगा एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व होने के बाद पॉपुलेशन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अर्बन पॉपुलेशन का ज्यादा यानी शहरी जनसंख्या की यहां पे संख्या ज्यादा है बाकी यहां पे जो नेचुरल गैस के रिजर्व हैं, वो एक अर्थव्यवस्था में, में बड़ा योगदान देते हैं नदियों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बता चुका हूं इतना ही पढ़ेंगे हम लोग इस पुडुचेरी के बारे में और कल की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मैपिंग ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड राज्य के बारे में ओके तो चलिए आज इतना ही रखते हैं मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दोस्तों पढ़ते रहिए लगातार मेहनत करते रहिए और जीवन में खुश रहिए ठीक है कल मुलाकात करेंगे ओके चलिए कराईकल वैसे क्या नाम है यहाँ की जो धार्मिक शैली है उसके लिए भी जाना जाता है मैं एक दो पॉइंट और बता दूं आपको क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों का बहुत अच्छा एक सामंजस्य देखने को मिलता है तीनों ही धर्म के धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है जो ये पुडुचेरी है और साथ ही साथ मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे आज भी जो फ्रांसीसी कल्चर है वो देखने को मिलता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भवन निर्माण शैली भी वहीं की देखने को मिलती है ओके तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं ओके सर बहुत छोटा क्लास है आप पुडुचेरी ही बहुत छोटा है तो इसमें क्या पढ़ाए है? है मुझे ये बताइए बड़ा क्लास देखना है तो लद्दाख वाला देखिए जम्मू कश्मीर वाला देखिए या फिर कल का इंतजार करिए जिसमें उत्तराखंड होगा एरिया बड़ा होगा क्लास बड़ी होगी सबसे ज्यादा क्लास होगी आपके राजस्थान में है ना चलो बाय